बाल संरक्षण आयोग के सहयोग से उत्तराखंड में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से आए बच्चों को विधानसभा और राज्य नीति से संबंधित जानकारियां दी गई है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 70 बच्चों को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। बाल विधानसभा का उद्देश्य बच्चों में राज्य नीतिक गुण दिखाना और प्रदेश में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना था। इस बार विधानसभा में राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। बाल विधानसभा के दूसरे दिन आज प्रदेश में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है और बच्चों को राजनीति के गुर सिखाए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में विकास की भावना जागरूक होगी, और क्योंकि कल इन्हीं बच्चों को प्रदेश और देश में अलग अलग तरीके से काम करना है। कोई राजनीति के क्षेत्र में करेगा तो कोई नौकरी के क्षेत्र में करेगा, इसलिए बच्चों को इस तरह की चीजें बताया जाना जरूरी है। दिन से ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इस आयोजन के माध्यम से बच्चों का ज्ञान वर्धन हो जाता है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पिछले कुछ समय में विधानसभाओं के अंदर जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित हुए वह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जैसे कि मुझे बाल मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए चुना गया है, तो हमने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं कि हम किन किन प्लान्स पे आगे जाके काम कर सकें, क्योंकि यहाँ पे 70 विधानसभाओं के बाल विधायक चयनित हो गए हैं। तो हमने ये प्लान पूरी तरीके से बनाया है। हमारे प्लान कुछ इस तरीके से हैं कि हम जो लड़का और लड़की पे जितने भी भेदभाव किए जाते हैं इनको पूरे तरीके से समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाल विधानसभा पहली बार तो पूरे भारत में, सिर्फ उत्तराखंड में इसका गठन पहले से भी होता आया है। हमने सिर्फ जो कुछ सालों से व्यवस्था बंद हो गई थी उसको पुनर्जीवित करा है, और इससे बच्चों में अपने अधिकारों को लेकर एक चेतना और बच्चों के अधिकारों को हम पूर्ण रूप से कार्यान्वित कर सकें। जी हाँ, हम लोग 2014 से जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो खास करके उत्तराखंड स्टेट अपना चाइल्ड प्रोटेक्शन ना SCPCR के साथ मिल करके हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, जहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चों में जो है बाल अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़े।